हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी ओट्स और गेहूं के आटे की ब्रेड, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको ब्रेड खाने का शौक है तो ये हेल्दी सी ब्रेड घर में बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, ओट्स और गेहूं के आटे की ब्रेड। हनी और गेहूं के आटे की ब्रेड बनाने के लिए मैंने 1.5 कप उबलता हुआ पानी लिया है। ये देखिए, ये रोल्ड ओट्स हैं, जो ये साबुत वाले ओट्स होते हैं, रोल्ड ओट्स ये मैंने लिए हैं 1 कप। ये मैं इस गर्म पानी में डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। 1/4 कप मैं इसमें हनी डाल रही हूँ। शहद, ब्रेड बनाते समय मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। 2 टेबलस्पून मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। इन सबको मैंने मिला दिया है और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए वेट करूँगी। ओट्स को गर्म पानी में भिगोए हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने ये 3 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें से 2-3 टेबलस्पून आटा बचा लें, वो क्योंकि हम बीच बीच में यूज़ करेंगे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 टीस्पून मैं इसमें इंस्टेंट ईस्ट डाल रही हूँ। ये आटा मैं इलेक्ट्रिक मिक्सर में गूंद रही हूँ, लेकिन इसको आप हाथ से भी उतना ही अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से आप जैसे हाथ से आटा गूंदते हैं, इसको गूंद लें। देखिए, आटा जब इस तरह से इकट्ठा हो जाए, अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आटे को किसी थाली में या काउंटर पे डाल के ये जो हथेली है इससे इस तरह से रगड़ना है और इकट्ठा करना है। ऐसे खींच खींच के इसको करें, ये देखिए, ऐसे हथेली से खींचें और फिर इकट्ठा करें। इस तरह से आपको 10 से 12 मिनट तक आटे को गूंदना है। शुरू में आटा ऐसे चिपचिपा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मलते मलते ये ठीक हो जाएगा। जो 2-3 टेबलस्पून आपने आटा बचाया है, अगर हाथ में बहुत ही ज़्यादा आटा चिपक रहा है तो बहुत हल्का हल्का सा उसमें से आटा अपने हाथ पे लगाएं और इसको मलते रहें। मलते मलते आटा बिल्कुल चिकना हो जाएगा। इस तरह से इसको 10 से 12 मिनट तक गूंदना है। ये देखिए, मैंने आटे को 12-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम नरम है और चिपक भी नहीं रहा है हाथ में। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और इसके ऊपर क्लियर फॉइल लगा के किसी गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर ठंडी का मौसम है तो इसमें साइज में डबल होने में 2 से ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटे या 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप चेक कर लें। लेकिन गर्मी में ये 2 घंटे में ही साइज़ में डबल हो जाता है। आटा गूंदने में बस थोड़ी मेहनत है। आटा गूंदने में आप जितनी मेहनत कर लेंगे, ब्रेड उतनी ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख रही हूँ। डो को रेस्ट करते हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको चेक करूँगी। ये देखिए, साइज़ में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब पहले मैं ब्रेड के मोल्ड में ऑयल लगा लूँगी। मोल्ड में ऑयल लग गया है। अब डो को ठीक करूंगी, हाथ को थोड़ा ऑयल लगा लूंगी। अब इसको अच्छी तरह से इसकी हवा निकाल देंगे पंच करके। डो को किचन काउंटर पे निकाल लें। अब इसको शेप करेंगे। ये देखिए, कितना बढ़िया आटा बना हुआ है, एकदम स्ट्रेचेबल, टूट भी नहीं रहा है। ऐसा ही आटा होना चाहिए। इसकी मेन टिप है, आटा एक नंबर अगर आपसे पतला हो गया है तो उससे ब्रेड को नुकसान इतना नहीं होगा। अगर एक नंबर आटा हार्ड रह जाएगा तो ब्रेड आपकी फूलेगी नहीं ज़्यादा और सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए आटे को पतला ही गूंदें। अब जिस कंटेनर में आप बना रहे हैं उससे इसकी लंबाई चेक कर लें और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, इधर से जॉइंट पे से दबाते हुए।
डो हमारा शेप हो गया है, अब मैं इसको मोल्ड में शिफ्ट करूंगी। किनारों में हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। क्लियर फॉइल पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर ढक देंगे। ऑयल हमने इसलिए लगाया है, जब हमारा ये डो फूलेगा, अगर ऊपर तक आया तो फॉइल पे चिपके ना। फॉइल हमें क्योंकि बाद में उतारनी है तो आराम से उतर जाए। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए वापस रेस्ट के लिए रख दूंगी। ये साइज में डबल हो जाएगा। डो को रेस्ट करते हुए 1 घंटा हो गया है और ये देखिए ये साइज में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। फिर से अब इसको क्लियर फॉइल को देखो ऊपर तक चिपक रही है ना, इसीलिए इसके ऊपर ऑयल लगाया था। इसको हम झटके से नहीं उतारेंगे वरना हमारे डो का फर्मेंटेशन ख़राब हो सकता है। इसको धीरे से उतारेंगे। अब ये मैंने 1/2 टीस्पून हनी लिया है, इसमें मैं 1/2 टीस्पून ही पानी डाल रही हूँ। इसको ब्रश से अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब इस मिक्सचर को धीरे धीरे हल्के हाथ से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। इससे एक तो हमारी ब्रेड पे कलर अच्छा आएगा और ये रोल्ड ओट्स हैं जो मैंने शुरू में बैटर में डाले थे, अब ये इसके ऊपर थोड़े थोड़े डाल देंगे। ब्रेड हमारी बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैं 180 डिग्री के प्री हीटेड ओवन में 35 मिनट के लिए बेक करूंगी। अगर आप इसको कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो कढ़ाई में जैसे आप वही कढ़ाई को प्री हीट करके उसमें रिंग रख के उसके ऊपर अपना ये ब्रेड का मोल्ड रख दें और ढक्कन लगा के 35 से 40 मिनट तक बेक करें। सबके ओवन की हीट अलग अलग होती है। 30 मिनट तो इसको बेक होने में ज़रूर लगेंगे। 30 मिनट के बाद अपना चेक करते रहें और 35 से 40 मिनट तक ये आराम से बेक हो जाएगा। मैं इसको अपने ओवन में 35 मिनट के लिए बेक करूँगी। ये देखिए ब्रेड को मैंने 35 मिनट के लिए बेक किया था। बहुत ही अच्छी एकदम ब्राउन कलर की हमारी ब्रेड बेक हुई है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का बटर लगा दूंगी। 2-3 मिनट वेट करके मैं इसको अनमोल्ड करूंगी। ये देखिए हमारा कितना शानदार बेक हुआ है लोफ हर तरफ से। ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्रेड बनी है। अब इसको 1 घंटे के लिए कम से कम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर इसको काटेंगे। ब्रेड को बेक हुए 1 घंटा हो गया है, अब ये ठंडी हो गई है, अब मैं इसको काटूंगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है, बिना अंडे के बहुत ही अच्छी ब्रेड बनी है। लीजिए बनके तैयार है हमारी बहुत ही हेल्दी बिना अंडे की ओट्स और गेहूं के आटे की ब्रेड। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।